आप काली से नदी गए थे आपने मंत्र से, तो वो मंत्र बताओगे हम नहीं बताए, उसकी बताया और कीमत गई रोज आ गए नदी पार कर मंत्र हाथ जोड़ बताओ ना ऐसा कौन सा मंत्र क्या आप बचा नहीं पाओगे यदि आपने उसकी कीमत नहीं की तो हमारा मंत्र चला जाए। आप आज तो बता नहीं पड़ेगा। अच्छा ना दो क्या शुद्ध साफ चटाई में बैठ भगवान का स्मरण करने पर अब हम बता नमो अरियंतारं नमो सिद्धारं नमो अरियारं नमो वज्रारं नमो लोहे सर्वसाहूं ये नाम है मान तुम्हें मानो मालूम होती तो संसार सागर से पार करने वाला मन तुम नदी पार नहीं कर पाए तुम्हें कहाँ रिश्ते नमन समय सा हमें तो मालूम अरे नमन समय सा समंत वत देवी किया तो भगवान प्रकट तुम्हें प्रणाम करना सीमंदर भगवान की पूजा में बताओ नाम बताओ किसी सीमंदर भगवान दिखेगी विदेश में से पढ़ने की आदत हो गई चित्त में जगह तो ले आप भगवान क्या कह ऐसे करुणा से लिखा गया है जब मोक्ष मोक्ष लिखा गया तो उन्होंने कहा कि रमा स्वामी आचार्य जी ने सबसे पहली लाइन सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है क्यों नहीं ऐसे अकलंग देव ने तत्वार्थ वार्तिक में प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से तो कौन से छूटने की बात करो तो सुन सकते तारीफ करो जैसे समय साथ में मोक्ष मार्ग का समय दुखों से छूटने की करो तो सुन सकते तुम दुखों की बात करो कि ऐसे दुख और करो और भोगो ऐसी बात नहीं कर उन्होंने कहा हम तुम्हें मोक्ष के मार्ग का उपाय बताएंगे यानी हमें आतंकवादी पकड़ के ले गया है काली पट्टी आँख में लगा के मुंह में रुमाल भर के हाथ में पीछे बंधन बांध के और एक आदमी आए जैसा कि भैया घबराना नहीं हम है ना हम निकालेंगे अब बताओ उसकी बात वो कितने प्रीति से सुनता होगा जंगल में पड़ा है और उसने ये कहा हम तुम्हें निकालेंगे और इसे कहा और पाप का काम कर हंसो मरो ऐसी भाषा बोले तो सुनेगा ये नाम ही कितना अच्छा है मोक्ष मार्ग और प्रकाश मोक्ष यानी अनंत सुख जो अनंतों से भगवान भोग रहे जो आपकी शक्ति सामर्थ्य में भरा पड़ा है और उसकी विधि न जानने से जीव विषयों से सुख मानता भिखारी जैसा और ये दिखा रहे हैं कि तू खुद ही ज्ञान और आनंद का धाम मैं ज्ञान आनंद सुधारी परंतु कहना अलग बात है लगना नहीं आता तो नहीं आता तो पूजा पाठ करके चले थका थका सरे अब ये मुक्ति के मार्ग का प्रकाश करें यानी तुम्हें दुखों से छूटने की विधि बताएं दुख समझ में आता दुख चल जाता है अज्ञान जनित भ्रम जनित दुख भ्रम जनित यानी सपने में टीवी हो गई सपने में आग लगी से पीछे पड़ गया बताओ क्यों ऐसे ही है जीव भ्रम से अपने आप को दुखी मानता यही दुख अपने आप को मनुष्य मानता यही दुख अपने आप को आत्मा नहीं मानता ये मान क्योंकि जब भी आत्मा नहीं मानेगा तो मनुष्य मानेगा सृष्टि मानेगा पंडित मानेगा वकील मांगेगा मानेगा मैं सुखी दुखी में रंग राव मानेगा और इसके कष्ट नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने को आप रूप नहीं जानोगे जैसा हो वैसा नहीं मानोगे तुम्हें कोई सुखी कर सकता है तो तीन बुद्धियां बता रहे एक तो जीव को देह में एकत्व ममत्व बुद्धि हाँ क्या नाम चाचा पहली बुद्धि है जीव को यानी अपनी आत्मा को इस शरीर से संबंधित सारी दुनिया से कौन सी बुद्धि चल रही है एकत्व ममत्व की बुद्धि चल रही है पहली बुद्धि क्या है एकत्व ममत्व दूसरी बुद्धि से चल रही है किए बिना कुछ नहीं हो तो कौन सी बुद्धि कहलानी है कर्तृत्व बुद्धि अहंकारी बुद्धि मानी बुद्धि जिसे कसाय से शांत नहीं बैठे दूसरी बुद्धि का नाम क्या है कर्तृत्व तीसरी बुद्धि चल रही है जरा सा प्रणाम में करवट दी और इसे धर्म दिखा
तो पुण्य धर्म बुद्धि चल रही डॉक्टर साहब, कौन सी बुद्धि चल रही है? धर्म बुद्धि चल रही। चौथी बुद्धि कमल कुमार जी, इसी विषयों में सुख बुद्धि चल रही। कौन सी बुद्धि चल रही? सुख बुद्धि चल रही। बोलो पहली कौन सी बुद्धि है? जाने की विदाई की लीला है, अब भूलेंगे तो कहाँ पर जाते हैं? देवे देशी संबंधित घर गृहस्थि मकान दुकान लड़का बच्चा पति पत्नी परमेश्वर जितने बना रखे उनमें कौन सी बुद्धि चल रही है? एकत्व की और महत्व की। पागल हो गया ये, पता नहीं चलता, ये सब छूट जाते हैं तो भी नहीं मानता। मरने के दम तक आखिरी आखिरी तक मेरी लड़का नाम पति पत्नी का लाला जी को बुला दो, एकत्व महत्व बुद्धि जो आत्मा में करना थी वो शरीर में करना। तो दूसरी बुद्धि सपना वाले बाबू जी, दूसरी बुद्धि कौन सी है? कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि क्या कहलाती है? कि बिना करे कैसे होगा, यानी सर्वज्ञ भगवान आनंद भी के यानी शांत, उन्हें चिंता नहीं। हर व्यक्ति को चिंता है कि यदि हम लड़के बच्चे नहीं पालेंगे तो उनका क्या होगा। ये कह रहे कि भगवान ने तुझे क्षेत्र बताए को व्यवस्थित नहीं समझ और हर पर्याय क्रमबद्ध है, अनादि से अनंत 12 साल बाद द्वारका जलेगी निश्चित है कि नहीं? तुम्हारी 24 मन तीर्थंकर होगा निश्चित है कि नहीं? हर बात निश्चित है, कल का दिन आएगा निश्चित है कि करना पड़ेगा। मुकेश भाई सूरज को निकालते हो तो निकलता है, निकलता है, और फूल को दौड़ाते हो तो दौड़ता है, दौड़ता है, सांस लेते हो तो लेना पड़ती है कि आदत आती जाती है, और भोजन पचाते हो आपके पचता है, तो क्या करते हो बताओ तो वहाँ बैठे बैठे ग्राम पर क्या करते हैं? ऐसी चार प्रकार की बुद्धि समझ में आई। कौन सी पहली बुद्धि कौन सी है? एकत्व बुद्धि। किससे कर रखी है? जो अपना नहीं है उसके अपने पन में जीवन मट्टी में चला जाता है, ये माटी को संभालता रहता है, माटी है पूरा। एक आध दिन आप अपना कुछ अंग डालो राख धूल पर देखना तो धूल दिखती है, बाहर निकलवा कचरा। अरे एक सुनार काम कर रहा था और एक पास जरी काम करवा रहा था, और सुनार ने कर्मचारी ने ऐसा सोना पूजा इतना टुकड़ा सोने का और मालिक की आंख में घुसा, कहाँ घुस गया? मालिक की आंख। तो बोले ये कचरा चला, कचरा गया कि सोना गया? कहना अच्छा हाँ सोना गया है आंख में कि कचरा गया है? कचरा है और इसे कहता है। चार प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी? एक महत्व की बुद्धि, भोगतत्व की बुद्धि, विषयों में सुबुद्धि और पुण्य में तीन से चतर बैठा है और हाथ में ये पुण्य के प्रकरण कहलाते हैं यहाँ धर्मांतर में, और इसमें राजी हो जाता है जिसके उद्देश्य के लिए आए तो खत्म। अब इसका इलाज में आपके सामने पढ़ रहे हैं, देखो आत्मा कैसी दिखाती है अपनी आचार, वो कितना सरल है और जीव उसे कितना कठिन बना रहा है। एक बहुत सरल उदाहरण से टूर्नामेंट जी ने दूसरे अध्याय में पेज नंबर 26 में ऐसे आत्मा दिख सकता है प्रत्येक 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष 90 वर्ष तक का जो भी चाहे। सुनो, जैसे सूर्य का प्रकाश सो बीच में बादल आ जाते हैं तब भी सूर्य ना दिखने पर भी प्रकाश आता है, तो बताओ प्रकाश बादलों से आ रहा है कि सूरज से आ रहा है? जो धरती पर प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश बादल में आ जाने पर वो प्रकाश कहाँ से आता है? सूरज से आता है कि मेघ पतन से आता है? क्यों आता है सूर्य से? क्योंकि सूर्य प्रकाश पहुंचे बादलों से क्यों नहीं आता? क्योंकि बादलों में स्वयं प्रकाश नहीं, जिस समय बरसात के दिन होते हैं उस समय सूर्य नहीं दिखाई नहीं पर प्रकाश दिखता है, और प्रकाश दिखता है तो अपन निर्णय ले लेते हैं अगली दिन है तो भोजन कर लेते, भोजन सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले करना चाहिए, तो कर लेते हैं। क्या देखे कि अभी प्रकाश तो सूर्य तो दिख नहीं रहा, क्या दिखता है? प्रकाश। एक कि सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, अभी पूरा प्रकाश तो दिखता नहीं है, जितना व्यक्त नहीं है
इतने का तो उस काल में अभाव है। सूरज तो बहुत बड़ा प्रकाश पुंज, इतनी बड़ी दुनिया को प्रकाशित करता है, तो प्रकाश पुंज भले आपको पूरा नहीं दिख रहा, पर जितना दिखता है वो और जितना नहीं दिखता है वो दो अंश कर दी। उस मेघ पटल के मन बने से इतना प्रकाश प्रकट, यानी जहाँ बादल नहीं वहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वह जो प्रकाश आ रहा है वह सूर्य के स्वभाव का अंश। ये पहली उदाहरण दिया जिससे आपको बोझ न लगे। सूर्य है, सूर्य प्रकाश का पुंज है, और जो भी प्रकाश आता है वो सूर्य। इतना समझ में आएगी, अब अपनी समझ में। उसी प्रकार जीव का प्रगट में ज्ञान दर्शन बीज स्वभाव है। फिर से देखो, अच्छे से बैठो, और नींद नहीं आना चाहिए, अभी कोई थकान नहीं है। रोज रोज तो आते थे अजमेर वाले बाबू जी के मंदिर सिकंदर जी, थोड़ी प्रमाण चार बजे उनकी नींद आती हो उठ के वहाँ चली और वो नौ धो के आए। दादी से सुना जाता है डॉक्टर आए और अपन नींद ले पूरी जो रहने बैठे मम्मी और फिर घूमे, तो फिर उसका कहाँ जाए। सावधानी से अब अपनी चर्चा करें। जीव का पता कैसे चल जाए ये बता। तुम्हें जीव तो दिखता नहीं, ऐसे अपन शिकायत करें। सुनो, जीव का ज्ञान दर्शन और भी जानना देखना और उसकी ताकत बनी रहे, तीन बार। जीव का जानना देखना और ताकत बनी, इन चीजें अब अपन को ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इनके निमित्त से इतना व्यक्त नहीं है, यानी अपन को इस काल में केवल ज्ञान है क्या नहीं, मन पर ज्ञान है क्या नहीं, अवधि ज्ञान है क्या नहीं, द्वास्थान का ज्ञान है क्या नहीं। अरे कल क्या प्रवचन में आया था वो याद, जब मनोज ने राज से पूछा कि बताओ कितने तीर्थों के दर्शन थे, तो धड़फड़ाने लगे थे लोग, ये दसवां तीर्थ नौ तीर्थों के क्रम से याद नहीं रहे, इतना कम छवि समझ। तो जितना ज्ञान नहीं है ये ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, गुरु ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, ये अपने भगवान जी बताए हमको नहीं देखते। जितना आवरण है जैसे जितना मेघ पटल है उतना प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि बादल बीच में अपन को वो प्रकाश का पता नहीं चलता। परंतु सूर्य कितने बजे सोचा बाबू जी, यहाँ तुम्हारे यहाँ बादल कितने बजे है, कौन से सिग्नम पर है कि तुझे सूरज नहीं दिखता, सूरज का उदय भी नहीं होता, सूरज का अस्त भी नहीं होता, सूर्य तो सदा काल जहाँ रहता है पूरा कलर है, तुम्हें नहीं दिखता तो अपन क्या कहते हैं अस्त हो गए, और देखने लगता है तो क्या कहते हैं उदय हो गए। सूरज का उदय अस्त नहीं होता, अपन अपने हिसाब से। अब जितना ज्ञान नहीं है, जितना देखना नहीं मिल रहा, जितनी ताकत अपनी नहीं है, उतना आपके अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का उदय चल रहा वो रोक नहीं है, पर वो निमित्त बताता है कि अभी इतना ज्ञान व्यक्त नहीं, ठीक हो गया। उसने कहा तो उस काल में अपन को अभी केवल ज्ञान नहीं, मन पड़े ज्ञान नहीं, अभी ज्ञान नहीं, दस पन का ज्ञान नहीं, अभाव तथा उन कर्मों के क्षयसम यानी मेघ पटल का मन होने से जितना आपके ज्ञान है दर्शन है भीड़ है, ये क्या है कहाँ से है, कौन बताएगा। अपन को ज्ञानावरणी कर्म का क्षयसम है कि नहीं, दर्शनावरणी का क्षयसम है कि नहीं, अंतराय का क्षयसम है कि नहीं, तो अपन को जितना क्षयसम है जितना क्षयसम इतने ज्ञान है, तो ये क्षयसम से ज्ञान होता है, ज्ञानी से ज्ञान होता है, छह सम ये सब कुछ हो गए। अच्छे से बैठो भगवान बने, फिर से कह रहे कि अपन को ज्ञान है कि नहीं,
सकती है, दर्शन है कि नहीं, समझने की शक्ति है कि नहीं, निर्णय लेने की शक्ति है कि नहीं, उसकी ज्ञान से अपन स्वान कर सकते हैं कि नहीं। अभी पूछ रहे हैं पंडित साहब कि हमें ये बताओ कि ज्ञानावरणी करण जितना बंधा है उतना तो ज्ञान नहीं, ठीक है, और जितना प्रगट है, जितना ज्ञान जो प्रगट है, ये कर्म के चेक सबसे एक ही है। ज्ञानावरणी करण का छवि है कि नहीं अपन को है, उससे छवि जितना आया उतना ज्ञान है कि नहीं है, तो छवि से ज्ञान होता है कि नहीं, कहाँ से जब विश्वास हो जाए तो आत्मा नहीं मानी। पंडित साहब सब जानते हैं कि तुमने भी पढ़े हैं साहब, तुम बोलना सीख गए, जाओ लिखकर बताइए अपन को वो दुख हो तो कौन से कर्म का हो, असाधा मैंने ये कि साधा भी और आशा वही सो रही हूँ, तुझे कौन सा कर्म का होता है, दर्शन बड़ी कर्म का होता है कि नहीं, पर अपन ने जो चाह वो नहीं हुआ डॉक्टर साहब, वो कौन सा कर्म का होता है, इंदिरा कर्म का होता है कि नहीं, आदि ने आपको 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला तो कौन से कर्म का होता है ना, इतनी सच्ची बुद्धि अजमेर वाली गाय बता दो, कर्म के उदय से ज्ञान नहीं है, शरीर सन से ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है शरीर सन से ज्ञान, कि वो चीज अलग है और जीव अलग है, और जीव के धर्म जीव में होते हैं, जीव के धर्म कर्मों से नहीं आते, जिस समय जीव दुखी होता है उस समय उसके असाधा व्यक्ति का उदय होता है, उससे दुखी होता है कि अपनी टेढ़ता से दुखी होता है, ममत तो बुद्धि से दुखी है और कहता क्या है मेरे उदय बहुत था, ये बताने के लिए अपन बैठे हैं समझ पंडित साहब सुनना पड़े कि जितना प्रकट है ज्ञान वह जीव के स्वभाव का अंश ही है, फिर से जितना आपको ज्ञान हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उनके सोने की बाकी है अभी सुना भाई, हाँ इंदौर वाले को अपन को ज्ञान है कि नहीं, अभी है कि ये ज्ञान कहाँ से आया, कर्म के छेदन के बिना हो सकता है क्या, ऐसे भी नहीं सुन, अभी अपन ये प्रवचन सुन रहे हैं रूप समार प्रकाश देख रहे, यदि ये ग्रंथ ना हो तो अपन को प्रवचन समझ में आ जाएगा क्या, और कोई पंडित ना हो प्रवचन करने वाला तो बात अपन को समझ में आ जाएगी क्या, प्रवचन के बिना ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, तो फिर प्रवचन करने काय को बिठा दिया, जैसे जगत के दृश्य देखते हैं हमें वैसे देखते हैं, सोते ना हमें वैसे देखते, तो हमें ये पूछना है कि ये घड़ी है ना बाबू, जाना सभी लोग ये बहुत गजब का प्रकरण है, समझ में आ जाए तो सबने दर्शन दिए, क्या यहाँ से सब ये घड़ी दिख रही है ना, दिख रही है अभी सबको दिख रही है कि नहीं, सबको घड़ी दिख रही, अब घड़ी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, हाँ कभी राज घड़ी क्यों नहीं दिख रही, छिप गई रमेश भाई घड़ी दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही, ज्ञान में तो तुम्हें दिखेगी, अभी हम घड़ी पूछे ईमानदार नहीं होगा तो नहीं होगा, अभी ये घड़ी दिख रही है नहीं, भगवान इससे बहुत बड़ा मिथ्या बोल करा, घड़ी दिख रही अब नहीं दिख रही, अब क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि डर गई है, यही तो भगवान कहते अभी ज्ञान आवरणी से तुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, तुमने मान लिया इसलिए तुझे अब आत्मा नहीं समझ में आ रही, कर्म दिख रही है, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान नहीं हो रहा है ज्ञान की योग्यता है, और जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान की योग्यता है, और तुझे ज्ञान की योग्यता ही से दिखती है कर्म से दिखती है, आत्मा को तो कट्टी कर है ही नहीं समझ में आ रहा है, इतना सरल प्रकरण पंडित साहब ने रखा आत्मा दिखाने के लिए कि अपन को घड़ी सबको दिखती है कि नहीं दिखती है, तो घड़ी है इसलिए दिखती है, घड़ी नहीं होती तो घड़ी दिख सकती थी क्या, घड़ी है इसलिए घड़ी का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कि ये महापाप है यदि घड़ी से घड़ी का ज्ञान,
क्यों? क्योंकि घड़ी में से ज्ञान निकलता नहीं है, तो इसमें से ज्ञान कैसे हो जाएगा? और आत्मा में ज्ञान है तो घड़ी को जानने की शक्ति किसमें है? आत्मा के ज्ञान में। तो वो शक्ति की अभिव्यक्ति कहाँ से होगी? आत्मा से। अपन बोरिंग करते हैं तो बोरिंग से क्या निकलता है? पानी निकलता है। क्यों निकलता है? अपन ने बार बार कई बार उदाहरण, तिल्ली में से तेल क्यों निकलता है? लोटी में से पानी निकलता है कि नहीं? बाबू अपन नल की टोटी ले आए और अपने घर में लगा ले और उससे पानी आएगा कि? तो नल की टोटी से दूध भी आ रहा, तेल भी आ रहा, पानी भी आ रहा। की खरीदो आप बाजार में, खरीदना बंद हो जाएगा। न दूध लेने जाना पड़ेगा, न पानी लेने जाना पड़ेगा, न तेल लेने जाना पड़ेगा। टोटी बोल, अरे टोटी से आधा दिखता है, आधा तो जहाँ है वहां से। ऐसे ही ज्ञान सबको होता है कि नहीं? कि बिना ज्ञान के कोई यहाँ बैठा? सबको ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान हो कहाँ से रहा है? समझ है? ये जो प्रकट ज्ञान है ये जीव के स्वभाव का अंश ही है। जीव तो भगवान है, अनंत ज्ञान की सामर्थ्य। परंतु आपको जो भी ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है? ज्ञान से ही ज्ञान हो सकता है। बड़े पंडित जी ऐसा बोलते हैं, हमारे पास वो शक्कर नहीं कहते, मिश्री के, हम मिश्री को आटा में मिलाएं तो आटा मीठा हो जाएगा कि नहीं? खरेड़ी वाले बाबू सामने उनकी नाना चना पड़ता है नहीं पड़ता? आटा में शक्कर मिलाएंगे तो आटा मीठा होगा कि नहीं? पानी में शक्कर डालेंगे तो पानी मीठा होगा कि नहीं? दूध में शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा कि नहीं? ये कह रहे हैं शक्कर ही मीठी होती है, शक्कर के अलावा इसमें मीठा आटा नहीं होता। चाहे कोई टीचर कर भी है जान, मीठी शक्कर का नाम है मीठी। मिलाने से तुम्हें मीठी लगती है आटे की कोई, पर मीठी चीज कौन सी है? शक्कर ही। ऐसे अब अपन को ज्ञान मिलेगा कि ज्ञान सभी को हो रहा है। सांस खोलते हैं, भगवान को देखते हैं, जगत की सामग्री को देखते हैं, परंतु वो ज्ञान आता कहाँ से पूछे? कभी सुनी नहीं बात, इतना उत्साह है। अभी एक एक लाख रुपए सबको मंदिर से निकलते हुए हम सबको बांटे, देखो सबके चेहरे जैसे फिल्म है। एक एक लाख रुपए का चेहरा बरगी जाना बंद एक महीने का कैंसिल। क्यों? लाखों रुपए मंदिर से निकलो फटाफट में जाएंगे, और जितने लोग उतरेंगे सबके भोजन की व्यवस्था है। देखो सबके चेहरे, भाइयों के चेहरे देखो, फोटो डाल दो। नाम सुनते ही अकर्तृत्व का इतना रस आता है। अच्छा इस काम से ये तो पूरे काम से बचा रहे। तेरा तो जीव का ज्ञान स्वभाव है जानने का, मात्र जानना तेरा काम। तेरा काम रोटी बनाना नहीं है। रोटी कैसे बनेगी? रोटी कौन बनाएगा डॉक्टर साहब? आटा बनाएगी। और तुम क्या करोगी? जब बन रही होगी तो ज्ञान उसका क्या करता रहता है? जानता रहता है। इसको कहते हैं भगवान मिल गए। कम से कम भगवान की बात तो मानो, भगवान की पूजा करे और मान नहीं लाए। ये स्वभाव का से यानी तुम ज्ञानानंद स्वभाव, जैसे ठीक है कि ज्ञान आत्मा, ज्ञान घन आत्मा में से प्रति समय झरता है ज्ञान। ये झरता हुआ ज्ञान आपको बताता है यू आर सोल, यू आर गॉड, यू आर जीव। आप जीव बैठे हो या जीव राजा, ऐसा लगे ना तो मिथ्या भाग्य। अब अपनी बेइज्जती अपन कराते रहते हैं, घी से ज्ञान मानते हैं और धर्म करना चाहते, बिना शक्कर के दूध मीठा करना कदा अर्चना है। हमें एक लाख रुपए की स्वर्ण भस्म ला के उसमें डाले, दस रुपए का शक्कर नहीं डाले, पांच रुपए भस्म डाले तो दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? भस्म है ना, सोना तो बहुत कीमती हो। अरे जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, यहाँ सुई की जरूरत हो तलवार क्या करेगी? इतना सरल काम है जो जानता उसे जीव कहते। ये नहीं मानोगे तो फिर करो आप, कितना प्रयास है। ये स्वभाव का अंश है, सुनो अच्छे से।
जीव के स्वभाव का अंश ही है। क्या अंश है? सुनने ही नहीं मिलता। क्या अंश है? जीव के स्वभाव का अंश ही है। क्या? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो आपके पास है इस समय, आपके पास कौन सा ज्ञान है जो आप जान रहे हो इस समय? अपन साथ करने में लगाए हुए तो ये जो ज्ञान हो रहा है श्रीरामपुर वाली भगवती, ये ज्ञान कहाँ से आया? पंडित जी की प्रवचन से कि साथ आत्मा से आया? आत्मा देगी तो बस इतने लगाए हुए। शक्कर देखी है तुम्हें? खीरे में डली है अंदर व्यक्ति ने शक्कर देखी है कि नहीं देखी? परंतु बता सकता है कि नहीं शक्कर डली है? कैसे बता देगा? डली नहीं। हम अभी उदाहरण दे रहे कि अंधा व्यक्ति को सूरदास को खीर खिलाई उसे शक्कर देखी है क्या? परंतु उसे मीठी लगी तो वो क्या कहता है? शक्कर डले। ऐसे तुम्हें ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आत्मा देखी किसी ने कि नहीं देखी? परंतु किसको होता है ज्ञान? आत्मा को होता है। तो ज्ञान होने से काय का पता चल गया? आत्मा का चल गया। उन्हें कैसा उदाहरण दिया कि तुम्हें सूरज नहीं दिख रहा है तो अभी तुम प्रकाश से सूरज का पता लगा लेते हो कि नहीं? कैसे पता चला कि सूरज है? प्रकाश। ऐसे कैसे पता चला कि मैं आत्मा हूँ? सतना भाई बाबू जी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इस जीव को बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि हमारा ज्ञान बाहर से आया, ज्ञान बाहर से आता और आनंद बाहर से आता, और दोनों ही में मर गया है। आनंद चाहिए तो विषय सामग्री चाहिए, तो ज्ञान चाहिए तो कामिक चाहिए, मीडिया टूडे चाहिए, अखबार चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। बताना बाबू जी मुर्दे में ज्ञान क्यों नहीं होता? आंखें हैं कि नहीं उसकी? कान है कि नहीं? नाक है कि नहीं? जीभ है कि नहीं? शरीर है कि नहीं? उससे ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा था? आत्मा से। आत्मा निकल गई यानी ज्ञान नहीं होगा। तो अपन कौन है? आत्मा है कि शरीर है? सब भाई तो आत्मा से ज्ञान आ रहा है कि शरीर से आ रहा? और यदि शास्त्र में से जो वाणी निकल रही है इसमें से ज्ञान आता है तो सबको एक सा क्यों नहीं होता? किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता। कठिन लग रहा है कि सरल है, इससे सरल कोई धर्म होता? सरल कही या जगत में भविष्य को ये मार बहुत सरल है। महावीर स्वामी अपन को महाभाग से मिल गए और इनका बताया हुआ धर्म देखो वो तो चले गए 2600 वर्ष पहले आए थे धरा पर और उनके बीजों ने कमाल किया, ये सब भर लिया। यदि ये सब ना लिखा होता तो सोचो अपन क्या करते? मंदे में अनिवार्य अज्ञाने जाने सयो वर्ति भाई सीजे ने की धुनी इन पे सिखा सम जो नहीं हो प्रकाशन हारी तो के सर्वानी अपनार दे पाती कहा रहे रहे या विचारी या विधि संत मैं धनी है धनी है अपन कहते हे माता तू ना होती तो हमें ज्ञान कैसे होता? तो मम्मी कहती हे बेटा तेरा ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो तुझे ज्ञान ऐसे संबंध है निर्दोष। अभी समझ में आया कि नहीं? आत्मा दिखी कि नहीं? हाथ उठाओ किसी आत्मा ने दिखी? शर्म लगती बताएंगे। और ये कह रहे हैं कि बताओ खीर मीठी सूरदास को लग रही है कि नहीं लग रही है? तो ये खीर मीठी लगी तो मिठास कहाँ से आ रही है? शक्कर से आ रही है। ऐसे ही तुम्हें ये प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहाँ से आ रहा है? प्रवचन में से कि आत्मा से? तो तुम तो कह रहे आत्मा दिखती, आत्मा न दिखे, आत्मा ना हो तो समझ के बता दो। अभी जो डॉक्टर साहब सो रहे हैं इन्हें समझ भी नहीं आ सकता क्योंकि ये सो रहे हैं। अभी जाग रहे समय तो समझ में आएगा कि हम आपको बड़े उदाहरण है। देखो ये बाहरी नींद पड़ जाना, नींद पड़ जाना ये लिए भी यहाँ तक इसे लगना तो चाहिए कि मैं हूँ ज्ञान सवाल, मैं हूँ और कौन जान ऐसा बल हूँ। तभी वो दर्शन मोहनी भागता है और सम्यक ज्ञान का सूरज उदय और प्रकाश करता हुआ केवल ज्ञान। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना धन्यते, आत्मा हो और ज्ञान स्वभावी आत्मा हो और आत्मा ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञान से जानता।
में ज्ञान नहीं है, ए से ज्ञान नहीं आता है, ए से ज्ञान मानना आत्मा की घोर बेइज्जती करता है, घोर अपमान करता है प्रत्येक जीव जब तक वो अपने को आत्मा ज्ञान स्वभावी देख। ये ज्ञान जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है। पढ़ना भी जाके 26 पे, कर्म जनित नहीं है, उपाधिक नहीं है, राग द्वेष जैसे नहीं है, बुखार जैसा नहीं कि आज आप चला जाए। ये ज्ञान आपको छोड़ते ही नहीं है, आप कहो ज्ञान सो गए, ये कहता तुम सो, परंतु मैं नहीं सो, मेरा काम जान ले। यदि ज्ञानी सो जाए तो सपने कौन देखे, ज्ञानी सो जाए तो बताएगा कौन कितनी देर बीता है। ज्ञान कभी सोता नहीं है, 24 घंटे आपका साथ है, इतना साथ दे, रक्षक धर्म हमारा है, धर्म हमारा साथ, और उसकी कितनी बेटी। बहू जी के पास पहुंचे, तो कह रहे बहू जी आज पिकनिक से लौट के आए 10-15 दिन के। अच्छा भाई फिर क्या हुआ, तो बहुत मजा आया बाबू, बहुत मजा आया। तो आएगा भाई मजा आएगा, जब गए हो मजा लेंगे आए। चलिए बताओ हमें, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, ये मजा काय में से आया, चटाई में से आया था, कि पानी बह रहा था उसमें से आया था, कि मारुति कार में गई थी उससे आया था, कि संगत में गई थी उसकी सहायता, कि कहाँ से आया था इतना बड़ा, ये भी अपनी नहीं बोल। यात्रा में भोजन मजा आया, कहाँ से आया, राकेश बस से आया, कि ड्राइवर की बगी चांद से आया, कहाँ से आया। हाँ बोलना कठिन पड़ जाएगा यदि ये लाइन नहीं मान। तेरे स्वभाव का अंश आनंद है, उसमें से आए। तुम आत्मा को कितना भी पीछे करो, सबसे आगे हो गए पूर्व में। अरब कंट्रीज गया एक आदमी पंजाब, और भैंस लेके गाय भैंस काली होती से लेनी गई पूरी गाड़ी गई, तो गाय को लेके गई, और उसने व्यापार करना था हीरे मोतों का। तो उसने कहा कि राजा को खुश करने के लिए रोज सब लोग जागृत दशा में सुनना, बहुत अच्छा होगा, रोज वो उस गाय से दूध निकाल करके नए नए व्यंजन से देता, कभी लस्सी ले जाता था, कभी छाछ पिलाता था, कभी खीर खिलाता था, कभी रसगुल्ले बनाता था, कभी कलाकंद, कभी लौकीकंद, कभी सफरचंद, जो भी लगाना था, जो भी नए नए आइटम दूध से बना के और राजा को परोसता था। राजा इतना खुश होता था, ये क्या है भी इसके पास, ये हमने वहाँ अरब कंट्रीज में पानी भी नहीं, घास भी नहीं, गाय भी नहीं, वहाँ तो जैसे ये पेट्रोल है, जियो पेट्रोल जियो। वो बोले बहुत मजा आ रहा, आप जब से आए हो नई नई चीजें खिलाते पिलाते हो, जब जाने लगो तो ये आइटम हमें दे दिए, आप कहाँ से बनो। बराबर साहब आप प्रसन्न हो, हमें भी खुशी हो। तो जब जाने लगा तो गाय को भेंट कर, अब गाय से अपने कर्मचारी से बोला कि जाओ इसे लस्सी निकलवा। वो गाय के पास खड़ा हो गया, लस्सी दो, गाय का समझे तभी पूरा होगा, नहीं बोला, बहुत देर खड़ा रहा, उसने वो दिया। क्या तमाशा करता है, हमने लस्सी मंगाई थी, खीर मंगाई थी, बता गाय है कि नहीं, इसी गाय से लस्सी बनाता था, और इसी अकल के दुश्मन को क्यों लस्सी नहीं देगा। तो उसने पकड़ा, उसे बुलाओ, इसने धोखा किया है, कहीं से खीर लाता था और हमें क्या पकड़ा था मंदिर। और उसने कहा कि राजा साहब बात ये, अभी आपको हम हवाई जहाज दे दें, पर हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, तो तुम्हारी भी डर गई, हम एक केमिस्ट की दुकान सौंप दें, पर तुम्हें दवाई की कला नहीं आती, किस दवाई का क्या नाम है, क्या दिया जाए, तो तुम्हारे लिए वो गुस्सा है। ऐसे ही आत्मा तुम्हें समझा दें और तुम्हें उसकी रुचि नहीं है, समझने का लाभ लेने का भाव नहीं है, तो तुम्हारी लिए आत्मा ऐसे ही जैसे सोन बनी, तुम्हें भगवान महावीर स्वामी का प्रदेश नहीं लगेगा, नए आइटम लगेगा, अरे ये आई की आत्मा आत्मा का, अरे तुम्हें ही आत्मा, वही इसकी कला है, जैसे उस गाय से दूध निकाल के खीर बनाई, ऐसे ही इस आत्मा की रुचि अपने ज्ञान और श्रद्धा को जो हम भ्रष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं बाहर, ये अच्छा ये अच्छा, उसी ज्ञान और श्रद्धा को यहाँ लगाओ, कि ये कौन है जो ज्ञान बरसाता है, कहाँ से आ रहा। तो जब आपका ज्ञान आपके ज्ञान का अभिनंदन करेगा, उसको सम्यक ज्ञान कहेगा,
जब आपके ज्ञान अपने से रूठता है तब दे की मजूरी करे, वकील बना देता है, डॉक्टर बना देता है, इंजीनियर बना देता है, सब बना देता है आत्मा नहीं देता, क्योंकि आत्मा यहाँ है और पढ़ाई वहां। समझ में आई थी नींद में ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ज्ञान भरा है, भरा कहाँ है कि मैं ही ज्ञानानंद स्वामी हूँ। तो अपन को आत्मा तो दिखती नहीं, सूरदास को खीर में शक्कर नहीं दिखती है, परंतु खीर में शक्कर डली है जानता है कि नहीं, ऐसे ही आत्मा दिखती नहीं है, केवल ज्ञान होने पर दिखती है। पर आत्मा का पता जानने से चलता है कि नहीं, कि कौन है ऐसा जो जान। सब लोग समझदार और तीन चार दिन की अपन ने यात्रा इसी तरह की, जिससे अपन अपनी बुद्धि को जगा, अपने अपने प्राप्त ज्ञान को जो दुर्लभ, क्योंकि ये ज्ञान सैनी पंचेंद्री का होना बहुत, अरे सैनी पंचेंद्री भी हो जाए। स्वामी जी की चौपाटी में बैठे थे मोटानी जी के घर, बहुत बड़ा महल, और उस महल में देख रहे थे कि बगला, पूछा ये कौन सा जानवर है, ये बगला क्या करता है, कि मछली का, ये उड़ क्यों रहा, कि ये दो दो कोस तक ऐसे उड़ते हुए जाता है मछली को पकड़, दो दो कोस तक समुद्र में ऐसा उड़ता जाएगा, सदा ऐसा जाए वो मछली पकड़। तो स्वामी जी ऐसे गंभीर हो गए, अरे ये कब मनुष्य बन गया, मनुष्य भी बन गया, ये जैनी कब बन गया, जैनी भी बन गया, ये भगवान के दरबार में कब आए, भगवान के दरबार में भी आ गया, ये प्रवचन में कब बैठ गया, प्रवचन में भी बैठ गया, इसकी व्यवहार का पक्ष कब छूट, व्यवहार का पक्ष नहीं छूट गया, इसी परमात्मा का भाव भाव आया कि ये मेरा स्वरूप है। अरे ये कैसे नहीं सुन, तो जरा ये जीव क्या सुनते अपने पास, और अपन को क्या करना, अपन को ज्ञान ऐसे ही है, अपन हंसी मजाक में परमात्मा में जाए। अभी अपन ने इतनी अच्छी कथा जिनवाणी माता से सुनी, हे माता तुमने ये बहुत अच्छा परिचय दिया कि जो जानता है वो जीव, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है, पानी में से पानी आता है, ऐसे अपनी रहस्य की बात है, हमारे साथ चले जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। अपने ज्ञान को धन्य करें, अपने ज्ञान को जिसका है उसके प्रति अर्पित करें, गंगा के जल से गंगा की पूजा होती है, तो अपने प्रगट ज्ञान से अपनी प्रगट ज्ञाय की पूजा आराधना होगी। आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास ज्ञाय है, जिस बोझ को मिटाना चाहते हो वो एक समय से ज्यादा चिंता नहीं, उसकी चिंता नहीं करो, आप इसकी चिंता करो कि मैं चैतन्य हूँ, अचिंत चिंता बनी गुरु जिनवाणी माता की जय, श्रीमंदर भगवान की जय, स्वामी जी शंकर भगवान की जय।